नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, इस जो जीके की क्वेश्चंस पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं आपके वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप उसको जो है पीडीएफ के रूप में पाएंगे, उसमें आपको केवल आंसर नहीं मिलेगा, आंसर आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश हो सकता है? तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में, यानी निम्न सदन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा, ठीक है, या आपका उच्च सदन यानी कि राज्यसभा। तो आप किसी में भी पहले पेश कर सकते हैं, चाहे निम्न सदन में पेश करें चाहे उच्च सदन में पेश करें, कहीं भी पेश हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर आती है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार पूछा जाए तो केवल एक आधार है जो कि आपके अनुच्छेद 61 के ए में, यानी 161 में, जिसके बारे में जो है उल्लेख है, जो ये बताता है कि वह संविधान का क्या है, अतिक्रमण। यदि संविधान का अतिक्रमण होता है तो ही राष्ट्रपति पर क्या चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद कौन सा जो है इससे संबंधित है महाभियोग से, 61.1, यानी अगर आपको केवल 61 भी देता है तब भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो कैसे महाभियोग लाया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी मैंने आपको बताया कि कहीं भी पेश कर सकते हैं, चाहे आप निम्न सदन में पेश करें चाहे उच्च सदन में पेश करें। तो इसके लिए जो है आपका नियम क्या है, ये है कि देखिए, जहां भी आपका जो है ये पेश किया जाएगा, वहां के सदस्य हैं उनके द्वारा 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी किसको, राष्ट्रपति को, और जो भी वो लिखित सूचना दी जाएगी उस लिखित सूचना पे उस सदन के एक चौथाई मेंबर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। मान लीजिए निम्न सदन में जो है ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये क्या करेंगे, 14 दिन पहले क्या करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे और जो सूचना भेजी जाएगी उसमें उस सदन के एक चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर किया जाएगा, ये सूचना पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं वो पास कैसे होगा या वो पारित कैसे होगा, तो जिस भी सदन में वो जाएगा उसके 2/3, यानी उस सदन के 2/3 जो आपके वहां के मेंबर होंगे उनके द्वारा उसको पारित किया जाएगा, उसके बाद ये अगले सदन में भेजा जाएगा। तो इन सभी चीज को आप याद रखिएगा, इनसे इन सभी चीजों से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। पहले अगर पूछता है कि कहां पर महाभियोग के लिए जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो दोनों सदन में से किसी में भी आप ला सकते हैं। अगर आप जो है जो भी राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगा रहे हैं वो क्या करेंगे, 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना देंगे, और ये लिखित सूचना क्या होगी, ये लिखित सूचना जो है उस सदन के एक चौथाई सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। इसके बाद वो जो भी सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है वो पारित कैसे होगा, तो वो उस सदन का 2/3 जो वहां का जो सदस्य होगा उनके बहुमत द्वारा उसको पारित किया जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ये भी याद रखिए कि जो आपके राष्ट्रपति की जो है जो रिक्ति रिक्ति होती है वो 6 महीने के अंतराल यानी 6 महीने के भीतर उसको भर देना भी जरूरी होता है। तो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और सभी चीजों को आप याद करके रखिएगा, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कॉपी लेकर के बैठिए और एक्स्ट्रा चीजों को आप लोग नोट करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, यहां पर लोकटक झील आपकी कहां पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। लेकिन इसके साथ साथ जो इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इस झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, उसको आप लोग याद रखिएगा, किबुल लाम जाओ, किबुल लाम जाओ ये नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। और ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये विश्व में तैरता हुआ पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, विश्व में तैरता हुआ पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, किबुल लाम जाओ, जो कि आपका मणिपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा कि एक महिला बॉक्सर है यहां से, मैरी कॉम, उनका नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि जो महिला बॉक्सर मैरी कॉम है, जिनके साथ जिनके जो बहुत सारे रिकॉर्ड जिनके नाम है, वो किस राज्य से हैं, तो वो आपकी मणिपुर से हैं। और एक क्वेश्चन मणिपुर से मिलता हुआ ये आपसे पूछा जाता है, तो मणिपुर की सीमा किस देश के साथ मिलती है, तो याद रखिएगा म्यांमार से इसकी सीमा मिलती है, ठीक है। तो इतना चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है?
तो आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाना जो घास का मैदान है ये आपके अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। अफ्रीका में आपका कौन सा पाया जाता है, सवाना घास का मैदान। इसके अलावा जो आपके सामने कुछ और दिए गए हैं देश और वहां से संबंधित जो घास के मैदान है वो भी अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे है आपका डाउन्स, यहाँ का जो घास का मैदान है इसको हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे और जो इम्पोर्टेंट है उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका दक्षिण अगर अमेरिका सॉरी उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा पाया जाता है, प्रेरीज। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका दिया गया है, मैं आपसे बता रहा हूँ उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, प्रेरीज, याद रखिएगा प्रेरीज, ठीक है। जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए बनाया गया प्रथम लिखित कानून निम्न में से था, प्रथम लिखित कानून की बात की जा रही है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसको हम लोग प्रथम लिखित कानून के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज और याद रखिएगा कि आपको पता होगा कि 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। हमने इसको यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में कानून बनाने प्रारंभ किए थे, ठीक है। इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में कानून बनाना प्रारंभ कर दिया था। अगर आप बक्सर के युद्ध की बात हुई है तो इसको भी आप याद रखिएगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था इसमें जो अंग्रेजों का सेनापति था वो कौन था, तो वो था आपका हेक्टर मुंडरो। कौन था, हेक्टर मुंडरो। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। और अगर आप लोग हाल का एग्जाम देखे तो आपको दिखेगा कि आपको सन के साथ साथ अब डेट भी पूछी जाने लगी है, तो ये भी याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर 1764, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, तो इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक न्यायपालिका होगी, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे भारत का संविधान है इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई है, उसी प्रकार पूछा गया है कि न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। चलिए आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में बहुत सारे ऐसे नियम थे जो पहले से चले हुए आ रहे थे और उनको वैसे का वैसा आपके संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो ये जो न्यायपालिका का जो संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख है ये भी कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आपको दोस्तों एक चीज और याद रखनी चाहिए, जो आपका जनतंत्र है इसके तीन प्रमुख अंग होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जनतंत्र के तीन प्रमुख अंग होते हैं, एक तो आपका उसमें से ये न्यायपालिका ही होती है, इसके अलावा दो और होते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप लोग याद रखिएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है आपका जो न्यायपालिका है उसका जो काम है वो क्या होता है कि सबको समान न्याय सुनिश्चित करना, यानी सभी को समान रूप से न्याय मिले, इसके लिए भारत में एक न्यायपालिका है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शनि ग्रह के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है, यानी कौन सी गैस ऐसी है जो शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है, शनि जो ग्रह है उसमें हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है। इसके अलावा हीलियम भी वहां पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि हीलियम वहां नहीं है, मेथेन भी पाई जाती है, लेकिन इन सब जो है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और एक चीज आपको बता दें कि जो आपका जो शनि ग्रह है इसका अगर सूर्य से स्थान पूछा जाए तो छठवां स्थान है, ठीक है। शनि ग्रह का सूर्य से छठवां स्थान है और सौर मंडल में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, उसके बाद जो आपका शनि है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और एक चीज जो इससे याद करने वाली आपके लिए है कि इस जो ग्रह को हम लोग गैस दानों के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, गैस दानव। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार एग्जाम से पूछी जाती है कि किस ग्रह के ऊपर आपको प्रकाश में कुंडली पाई जाती है या कह सकते हैं कि वलय पाया जाता है, तो ये भी आपका शनि ग्रह है। और इन वलयों की संख्या जो आपके वलय पाए जाते हैं इसमें, इन वलयों की संख्या कितनी है, तो इन वलयों की संख्या 7 है।
साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, जो शनि ग्रह है ये अगर पानी में डाल दिया जाए इस ग्रह को, तो ये ग्रह क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर तैरता हुआ प्रतीत होने लगेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो इसका घनत्व है ये जल से भी कम है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा, सभी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आपने वीडियो को लाइक अब तक जरूर कर दिया होगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो को देखा करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीबी के बैक्टीरिया की खोज करने वाले निम्न में से कौन थे? चलिए आंसर यहां पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। यहां से क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि टीबी यानी तपेदिक नामक रोग कैसे हो जाता है, तो बैक्टीरिया से होता है। इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की, ये भी आप याद रखिएगा। और आप एक चीज हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपने नाम देख रहे हैं, जोनास साल्क, इनका नाम आप लोग को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो है इन्होंने पोलियो के पहले सुरक्षित टीके की खोज की थी, इसलिए इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन किस देश में किया गया था? तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में इन्होंने कौन सा जो है एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो केबीसी में भी पूछा जा सका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाए गए इबादत खाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी अकबर द्वारा जो इबादत खाने बनवाए गए थे उसका उद्देश्य क्या था, जो इबादत खाना बनाया गया था वहां पर क्या चीजें होती थी निम्न में से। तो आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर इसका जो इबादत खाना था इसका प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक विषयों पे खुला वाद विवाद, यानी इस इबादत खाने में बुद्धिजीवी लोग बैठ करके धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करते थे। ठीक है, इबादत खाना जो कि फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाया गया एक प्रार्थना अथवा मीटिंग रूम जिसको आप कह सकते हैं वो था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अकबर ने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिसके लिए उसको जाना जाता है, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा, जैसे इसने दास प्रथा का अंत भी किया था। तो कब किया था, किस सन में किया था, तो 1562 में किया था, इसको आप लोग याद जरूर याद रखें। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, ये भी आप लोग को पता होगा, कब की थी, तो 1582 में की थी, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था, तो जजिया कर कब समाप्त किया गया था, तो वो भी याद रखिएगा, 1564 में। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि किसने इसको समाप्त किया था और किस सन में किया था, तो सन जरूर इंपॉर्टेंट है, तो सन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इन सारे सन को भी याद रखिएगा और याद रखिएगा कि कौन सा सन किस चीज से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब शुरू की थी? तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, आंसर यहां पे हो जाएगा 1858। इसने अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति को शुरू किया था। आपको याद होगा बंगाल विभाजन भी इसी पे बेस्ड था थोड़ा बहुत, उसको भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन। ठीक है, तो ये आपका अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति कब शुरू की, 1858 में शुरू की। और अगर आपसे पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन किस चीज पे आधारित था, तो आप ये भी बता सकते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति पे के आधार पर उस बंगाल विभाजन किया था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्रिका थी? तो आंसर देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्रिका के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कौन सी होगी, वो यंग इंडिया होगी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इनकी, जैसे कि कुछ लिखित इनके द्वारा पुस्तकें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जैसे आपका नाम है हिंद स्वराज, क्या नाम है, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित थी और इसमें इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में उल्लेख किया था, तो इसके लिए आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनकी आत्मकथा थी, कौन सी थी उसकी, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, इसलिए इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है?
चलिए आंसर देख लीजिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, 80। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 होता है, और अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछ ले तो क्या होता है, 120 होता है। आपसे कहा जाता है कि एक मनुष्य का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 120/80 आप लोग ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो ये जो ये होता है 120, ये क्या होता है, सिस्टोलिक, और ये जो 80 होता है ये कितना होता है, डायस्टोलिक। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्न में से क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा वीर की अहिंसा। अगर कोई वीर व्यक्ति है वो हिंसा नहीं कर रहा है तो उसको ये सबसे बड़ी ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा है, जो विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा जल मंडल। ये आपका क्या है, सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा, टेंसले जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, टेंसले जी को। इनको बोला क्या जाता है, इनको बोला जाता है पारिस्थितिकी का जनक। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रॉन्सन ने किया था। इसको याद रखिएगा, वाल्टर जी रॉन्सन। हर चीज को मैं दोस्तों लिख नहीं रहा हूं, इसका मतलब कि आपको क्या करना है कि इसको सबको नोट करना है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप नोट करके जरूर से जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज आपसे और पूछ सकता है कि सबसे स्थायी कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है, तो समुद्र का है, ठीक है, याद रखिएगा सबसे स्थायी क्या है, समुद्र का। ये सभी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। चलिए आंसर देख लीजिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, बैगनी। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है, कम होती है। देखिए दोस्तों, आप अगर तरंग दैर्ध्य को जान जाएंगे ना तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए क्या होती है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि किसी कण का एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है। यानी मान लीजिए कि यहां से तरंग शुरू हुई और यहाँ पे एक उसने अपना पूरा किया, एक कंपन पूरा किया, ठीक है, तो जो वो अपना एक कंपन पूरा कर रही है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे तरंग दैर्ध्य। एक कंपन पूरा करने को क्या बोला जाएगा, तरंग दैर्ध्य बोला जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा की शुरुआत किस काल से हुई, तो कर लगाने की प्रथा की शुरुआत किस काल से हुई थी, उत्तर वैदिक काल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सर्वप्रथम भारत रत्न किसे से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, इन सभी को। अभी तक आपको हर बार ऑप्शन में केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी मिलते थे, लेकिन यदि आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन भी मिलते हैं तो आप कहेंगे कि इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि जो आपका भारत रत्न होता है ये आपके लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये याद रखना है आपको। और सबसे पहले जो है आपको ये भी याद रखना है कि इसको जो है इन तीनों को दिया गया था, ठीक है, और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो भी आपको याद रखनी है कि 1954, ठीक है, तो 1954 में जो है जब दिया गया तो इन तीनों लोगों को एक साथ दिया गया क्या, भारत रत्न। अब की बार भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 में आपको जो भारत रत्न है वो किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि प्रणब मुखर्जी, इसके अलावा भूपेन हजारिका, और इसके अलावा नानाजी देशमुख, इन तीनों को दिया गया है अब की बार क्या, भारत रत्न। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले किस राजवंश ने शुरू किया, तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, सातवाहन वंश के जो लोग थे इन्होंने अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम शुरू किया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस धर्म से ये जुड़ी हुई थी अजंता की गुफाएं, तो आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के ही, इसमें जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें वहां पे उकेरी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज है, आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें जो है कौन सी गुफा गुप्तकालीन थी, तो याद रखिएगा गुफा नंबर 16 और 17, ये आपकी क्या थी, गुप्तकालीन। अक्सर जगहों पे देखने को मिलता है कि इसमें आपकी टोटल कितनी गुफाएं थी, 29,
ठीक है, इसमें से आप याद रखिएगा कि गुफा नंबर 16 और जो 17 थी ये आपकी गुप्तकालीन थी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पूछ लेता है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र, जो मरणासन राजकुमारी थी उसका चित्र किस गुफा में मिलता है, तो जो गुफा नंबर 16 है उसमें ही आपको मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस सरकार में लाया गया? तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, यहां पर दल बदल से जो संबंधित प्रावधान था इसको राजीव गांधी सरकार में लाया गया था। ठीक है, राजीव गांधी सरकार में लाया गया, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो है दल बदल लाया गया। और ये दल बदल किस अनुसूची के रूप में जुड़ गया था आपके भारतीय संविधान में, तो इसको याद रखना है आपको 10वीं अनुसूची के रूप में। किस अनुसूची के रूप में? 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल जो कानून था इसको जोड़ दिया गया था भारतीय संविधान से। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना है कि दोनों चीजें आपसे पूछता है। ठीक है, एक चीज पूछता है कि किसकी सरकार में आया, तो राजीव गांधी की सरकार में आया। किस अनुसूची द्वारा जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर जो सरहुल है ये आपका झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको उड़ीसा या बंगाल भी ऑप्शन में मिलता है तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको झारखंड ही अक्सर ऑप्शन में देखने को मिलता है और झारखंड ही आपका आंसर होता है। कभी कभी इस सरहुल का जो है आपसे अर्थ पूछ लेते हैं, तो उसको भी आपको क्या क्या याद रखना है कि इस सरहुल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, साल की पूजा। ठीक है, साल की पूजा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा और इससे सारे क्वेश्चन और आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो इतना चीजें इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के लिए आपके 20 क्वेश्चन। मैं समझता हूँ इस 20 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको कम से कम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। इन 50 क्वेश्चन से आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, और मेरे हिसाब से मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके काम नहीं आएंगे। सभी एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपसे जीके पूछा जाता है और जीके में सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जल्दी मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।